जवर नहीं जिनहार, खुद मुश्क कहे खुशबू न के खुशबू कहे अत्तार। हम सीधे सीधे सदर मोहतरम की खिदमत में गुजारिश गुजार है, तशरीफ लाएं। प्रोफेसर फखर आलम आजमी साहब, अब ये हमारी मजबूरी है, अगर सराज साहब इधर कोई और होता तो मैं उसे वक्त जरूर देता, लेकिन हम इनसे नहीं पटेंगे। मैं अपनी जहालत का एतराफ करता हूँ कि अभी चंद रोज कबल तक मैं मरहूम सूफी बस्तवी से वाकिफ नहीं था। मेरे पास मजमुए कलाम मेरे मोहसिन मखमूर काकोरवी साहब ने भिजवाया, मैं मसरूफ था। आज जब उन पर यह महफिल बरपा की गई है तो मैं उनके मुखलसीन लहुद्दीन और मुशफिकीन लहुद्दुनिया को मुबारकबाद भी देता हूँ, और इस एहसास कमतरी का भी शिकार हूँ कि मैं इतनी नफीस शख्सियत से आखिर क्यों नहीं मिला। हम लोग वासिफ भाई बहुत ज़माने से कहते हैं कि ज़रा आप कुंज कफ़स से निकलिए, कुंज तन्हाई से निकलिए, लेकिन जो मसाइल दामनगीर हैं जामियात में आजकल जो आलम है वहाँ से निकलना और फिर यहाँ भी मेरी बेबाकी लोगों को खटकती है, लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी ज़बान में है। डॉक्टर हारून रशीद एक इशारा फरमा गए, एक ज़माना था मैं इनको अजीज़म हारून रशीद कहता था, बाद में मैंने इनको बिरादरम हारून रशीद कहना शुरू किया, और आज मैं इनको मोहतरम हारून रशीद कहता हूँ। दुआ कीजिएगा अगली कोई मुलाकात न हो, वरना मुझे कुछ और क्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, माशरती वज़ादारियाँ या कवानीन ज़वाबित या आईन हिंद की दफ़ात वगैरह ये पसे पर्दा होती हैं। अवलीन चीज़ रिश्ता होता है, और उसी रिश्ते की वजह से जनाब मखमूर काकोरवी के हुक्म पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि सदर आपके बारे में कुछ ना कहे, और यह बात मुझ पर भी इसका इतलाक़ होता है, तो हमें मकाला पढ़ते वक्त, मकाला पढ़ने से पहले और शहनशीन पर या मजलिस में वो आदाब ज़रूर मरूज़ खातिर रखने चाहिए जो किसी बज़्म का और संजीदा महफिल का तकाज़ा है। मैंने देखा है कि हमारे मोहतरम ने बड़े अख्तसार से काम लिया, मीर के भले ही छः दीवान होंगे, गालिब के 18 शेर हैं। मीर पर शायद कोई मबसूत किताब बहुत अच्छी शेर शोर अंगेज़ के अलावा मौजूद हो, लेकिन गालिब पर 2500 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। बरान हर्फ न गुफ्तन कमाले गोयाईस्त, शायरी ये नहीं है। अगर आप बनहना कहते हैं, रास्त कहते हैं, तो खिताबत हो सकती है, शायरी नहीं होती। और वो शायरी जिसका इकबाल ने कहा कि मन्नत पजीरे मिसरे दीगर नमी शवत, एक तलवार की तरह होती है जो अपनी तकमील के लिए किसी मिसरे सानी की मोहताज नहीं होती। अभी जो मकाले पढ़े गए बेशतर में संजीदगी नज़र नहीं आती, मुस्तस्नियात हर जगह हैं, हम इंसान हैं, बशरी तसामुहात ज़रूर हमारे अंदर होंगे, लेकिन जो भी सलाहियत या सालहियत अल्लाह ने हमें अता की है कम से कम उनको बरुएकार लाया जाना चाहिए। कलम संभालने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए, हम जो लिखते हैं वो फिर हमारे दस्तरस में नहीं रहते, वो तनकीद के लिए मंजर आम पर आ जाते हैं, और फिर आपको वो चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपने, मैं कहता नहीं, मैं महफिलों में आता नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जो किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से लोगों को जज करते हैं, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये कोई कायदे कुल्लिया नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमसे मुराद जो लोग भी इल्म अदब से दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, हम सिर्फ इस कदर चाहते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह ने आपको जौहर वदियत किया है
उसके साथ साथ एक्तिसाब और रियाजत का अमल भी आप जारी रखिए। खुदा ने किसी को बेजौहर पैदा नहीं किया है, लेकिन आप वो नज़र पैदा करें जो अल्लाह ने आपको दी है और उसको अमानत समझकर बल्लगुनी वला आया की तरह आप उसको पहुंचा दीजिए। अभी जो मकाले पढ़े गए उस पर कुछ कहना नहीं है, मेरा हालांकि काम यही है कि मैं थोड़ी थोड़ी बात सफ़र करूं, अजान का वक्त भी होने वाला है। जाहिर तो बात है कुछ लोग ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं कि ख़ताए बुज़ुर्गा गिरफ्तन खतास्त, तो अगर बुज़ुर्गों की ख़ता पर हर्फगीरी ख़ता है तो जाहिर सी बात है खामोशी बेहतर है। जहाँ भी सूफ़ी वस्तवी का कलाम हमने पढ़ा है, आपने शायद ही देखा होगा कोई बहुत बड़ा शायर अपना तखल्लुस जाहिद रखे और नासिह रखे और सूफ़ी रखे, तो इससे उसके मसलक का अंदाज़ा होता है। अफकार सूफ़ी पढ़ लीजिए, सारी की सारी शख्सियत और उसका मसलक और उसका नुक्ता नज़र आपके सामने आ जाएगा। मैंने जब जस्ता जस्ता और कहीं से दस्ता दस्ता जब किताब का मुताला किया तो मैं समझता हूँ, मैं नहीं जानता कि आने वाला वक्त और नकाद इस शायर को किस खाने में रखेगा, क्योंकि तनकीद के मयार मिनहाज ही नहीं बदलते हैं, ज़माने का मजाक भी बदलता रहता है, तो इसलिए वो अलग जाने। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो शायर, बहुत से ऐसे शायर जो बड़े इंसान नहीं बन सकते, लेकिन ये शायर जो सूफ़ी जिसे हम कहते हैं, इंसान तो बहुत बड़ा था। मैं नहीं जानता कि शायरी के बारे में लोगों का फ़ैसला क्या होगा। यकीनन जिसने इंसानियत को गले लगाया, फ़न को कुर्बान किया हो, उसकी कदर की जानी चाहिए। इकबाल ने भी कहा था कि आप मेरे जाम को मत देखिए, मेरी शराब को देखिए, यानी मेरे अल्फाज को मत देखिए, मेरे फ़िक्र को देखिए। और अगर फ़िक्र की सलाबत के लिए, उसके तहफ़ुज़ के लिए मेरे अल्फाज के आईने टूट जाते हैं, यानी अगर मेरे फ़िक्र के तन पर जामे अल्फाज तंग हो जाते हैं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे ख्याल से सूफ़ी का रिश्ता भी इसी तरह की शायरी से मिलता है। जाहिर सी बात है, तो ये कहा है, सिनाई ने भी कहा, मौलाना रूम ने भी कहा, मन न जानम फ़ायलात उन फ़ायलात, आशेर मी गोयम बेहस कंदो नबात। बात बड़ी अच्छी है, कंदो नबात की तरह है, फ़न के तकाजे अगर मजरूह होते हैं तो हो जाएं, फ़िक्र ज़िंदा रहे, जो पैगाम ज़िंदा है वो रहे। हम लोग फ़न पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन देखना ये चाहिए कि शायर का मसलक क्या है। हम किसी आईने को सामने रखकर या अपने मसलक की बुनियाद पर दूसरों का फ़ैसला ना करें, यह मारूजियत के ख़िलाफ़ है। बात दरअसल ये है कि हम ये देखें कि उसका मतमह नज़र क्या था। तो अफकार सूफ़ी पढ़ने के बाद ये नज़र आता है कि वो एक सालेह माशरे की तश्कील चाहते थे, एक आला इंसानी अकदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कोशा रहे और इसके लिए वो याद किए जाएंगे। वो यकीनन आज हम में नहीं हैं, लेकिन अच्छी शायरी या अच्छे इंसान जो भी होते हैं वो शेर के लाजवाल पैकर में ज़िंदा रहते हैं। जसद खाकी की कोई हैसियत नहीं, नाम ही इसका जसद खाकी है। तो वो फना से मावरा होते हैं, वो मौत के मुकद्दर में नहीं होते हैं, वो शेर के लाजवाल पैकर में ज़िंदा रहते हैं। उन्हीं में एक शायर ये भी हैं, वो होम्योपैथ भी थे और बहुत छोटी छोटी गोलियों में दवा दी जाती है। जिन लोगों ने, मैं खुद एक होम्योपैथ हूँ, मैंने इसको पढ़ा है, इसकी पूरी मेडिसिन साइकोलॉजी भी मैंने पढ़ी है। हमारे उस्ताद भी कहा करते थे कि होम्योपैथी की गोली बहुत छोटी होती है, इसके सही इदराक के लिए दिमाग बहुत बड़ा चाहिए। मैं समझता हूँ कि सूफ़ी एक सूफिया साफ़ी ही नहीं थे, बल्कि इलाज शाफ़ी भी किया करते थे, और जो इलाज शाफ़ी किया करता है वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। अगर वो गुज़र गए तो गुज़र जाएँ, अफसोस इस बात का होता है कि जो बाँटते फिरते हैं हयात अबदी साज, वो लोग भी मर जाते हैं मालूम नहीं क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया।